नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद सिद्धार्थ नगर बांसी कोतवाली क्षेत्र मुखबिर की सूचना पर दो संदिग्ध बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने का किया प्रयास। पुलिस को देख दोनों बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। एसआई अजय सिंह के हाथ में लगी गोली। पुलिस की जाबाजी फायरिंग में एक बदमाश भी हुआ घायल, पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश अजय व साथी पिंटू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल एसआई और बदमाश को इलाज के लिए बांसी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सिद्धार्थ नगर से विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। ये देवरिया नहर पुलिया के पास हमारी बांसी थाने की थाना अध्यक्ष और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी कि एक संदिग्ध हालत में एक मोटरसाइकिल पे दो लड़के आए, जिसको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाशों की फायरिंग में हमारे एक सब इंस्पेक्टर अजय सिंह के हाथ पे गोली लगी। पुलिस की गोली लगने के बाद मोटरसाइकिल से गिर गए, जिसको पुलिस ने जाके मौके से दोनों को हिरासत में ले लिया। इनकी जो पहचान हुई है, अजय सिंह और बबलू, ये दो अपराधी हैं। अजय सिंह का काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। वो मूल रूप से संत कबीर नगर से रहने वाला है। उसके जनपद में भी अपराधों में उनकी संलिप्तता पहले रही है। इटवा थाने में भी एक ट्रैक्टर चोरी में उनका नाम पहले आया था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त जो 3 अक्टूबर को ग्राहक सेवा केंद्र थाना बासी में जो लूट हुई थी, उसमें भी अजय सिंह की संलिप्तता के हमारे पास साक्ष्य हैं। उनसे अब बाकी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल वो दोनों प्राथमिक हमारे हॉस्पिटल प्राथमिक जो हेल्थ सेंटर है यहाँ पर एडमिट है, और जहाँ पे डॉक्टर घायल सब इंस्पेक्टर और जो घायल ये एक्यूज्ड हैं, इन दोनों को उनकी केयर में उनका देखभाल चल रही है। उनसे जैसे उनकी हालत स्टेबल होती है तो तुरंत उनसे आगे की पूछताछ करके इसमें लापरवाही सूचना प्राप्त की जाएगी। सर, अभी एसआई भी को भी गोली लगी, क्या स्थिति है एसआई की, मतलब गंभीर हाल में या क्या स्थिति है? नहीं, वर्तमान में जैसे हमारे डॉक्टर से बात हुई है, दोनों की हालत स्टेबल है और डॉक्टर उनको केयर कर रहे हैं और कोई ऐसी खतरे की बात अभी फिलहाल नहीं है।